हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क हैजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस। आज हम जानेंगे हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कॉमन हैजार्ड्स हैं और उनके लिए हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट कॉमन हैजार्ड है स्लिप एंड ट्रिप, यानी कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर काम के दौरान स्लिप कर सकता है, ट्रिप कर सकता है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ पर्सन, अगर कोई पर्सन, कोई वर्कर हाइट पे एक्टिविटी कर रहा है, अगर वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो फॉल कर सकता है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मटेरियल, अगर कोई भी लूज मटेरियल हम प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, सिक्योर नहीं है, तो मटेरियल गिर सकता है, फॉल कर सकता है हाइट से, और जो भी वर्कर्स नीचे काम कर रहे हैं उन्हें चोट लग सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक, अगर कोई पर्सन कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है और वो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट है डस्ट, डस्ट भी एक हैजर्ड है, ये जो कॉमन है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, अगर आने जाने का रास्ता सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक हैजर्ड है। नेक्स्ट है क्रेन एंड मशीनरी ऑपरेशन, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारे क्रेन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, मशीनरीज इन्वॉल्व हो सकती है, उनसे जो हैजर्ड्स क्रिएट होते हैं वो भी एक हैजर्ड है। नेक्स्ट है फायर हैजर्ड, काम के दौरान फायर हो सकता है, अगर कोई हॉट एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पर कोई कम्बस्टिबल मटेरियल है तो फायर हो सकता है। अभी हम जानेंगे इन सभी हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट है हाउसकीपिंग, अगर हम हाउसकीपिंग प्रॉपर रखते हैं अपने साइट पे तो स्लिप एंड ट्रिप के चांसेस कम हो जाते हैं और फायर के भी चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है मैन और मटेरियल के लिए एडुकेट प्लेटफॉर्म देना है, ताकि वहाँ पर मैन खड़ा होकर, वर्कर खड़ा होकर काम कर सके और मटेरियल को अपने सिक्योर रख सके। नेक्स्ट है फॉल ऑफ पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए हमें फॉल प्रोटेक्शन देना होगा और फॉल अरेस्ट सिस्टम देना होगा, इसमें आप सेफ्टी नेट, लाइफ लाइन, फुल बॉडी हार्नेस, गार्डरेल्स ये सब इंस्टॉल कर सकते हैं। सेफ्टी नेट कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी ट्रेनिंग, जितने भी वर्कर्स आपके साइट पर एक्टिविटी कर रहे हैं उनके जॉब के रिगार्डिंग आपको सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस, आने जाने के लिए प्रॉपर एक्सेस देना है, एग्रेस देना है, आप लेटर से दे सकते हैं, किसी अदर मीन से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ क्रेन एंड मशीनरीज, जो भी आपके साइट पे क्रेन से मशीनरीज है उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। नेक्स्ट है रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ फायर इक्विपमेंट्स, जो भी आपके फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करना है। एंड नेक्स्ट है पीपीज, जो भी आपके वर्कर्स एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए पीपीज होना चाहिए, जॉब स्पेसिफिक और मैंडेटरी पीपीज आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये कुछ कॉमन हैजर्ड्स थे हाई राइज बिल्डिंग के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।